हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर ओप्पो फ़ोन की डिस्प्ले वाइट हो जाती है तो कैसे इस प्रॉब्लम को सही करेंगे। तो देखिए, इसके लिए मोबाइल का पावर बटन और वॉल्यूम अप और डाउन बटन, जिसे आवाज़ ज़्यादा और कम करते हैं और जिस बटन से मोबाइल लॉक करते हैं, इन तीनों बटन को एक साथ 10 से 15 सेकेंड के लिए दबा कर रखना है। जैसे ही आप इतना करते हैं तो आपका फ़ोन रीस्टार्ट मोड में जाकर खुल जाएगा, चालू हो जाएगा, फिर आप उसे चला सकते हैं। अगर इस तरीके से नहीं खुलेगा, सही नहीं होगा, तो फिर मोबाइल का पावर बटन जिससे मोबाइल लॉक करते हैं और वॉल्यूम अप बटन जिसे आवाज़ ज़्यादा करते हैं, इन दोनों बटन को एक साथ दबाना है 10 से 15 सेकेंड के लिए। जैसे ही इतना आप करते हैं, आपका फ़ोन रीस्टार्ट मोड में जाकर खुल जाएगा और जो प्रॉब्लम रहेगी वो सही हो जाएगी। देखिए गाइस, अलग अलग मैं तरीका बता रहा हूँ क्योंकि अलग अलग मॉडल होते हैं फ़ोन के, तो अलग अलग सेटिंग होती है इसीलिए। अब अगर इस तरीके से भी सही नहीं होगा तो मोबाइल का पावर बटन जिससे मोबाइल लॉक करते हैं और वॉल्यूम डाउन बटन जिससे आवाज़ कम करते हैं, इन दोनों बटन को एक साथ 10 से 15 सेकंड के लिए दबाकर रखना है। जैसे ही आप इतना कर लेते हैं, आपका फ़ोन रीस्टार्ट मोड में जाकर खुल जाएगा और जो प्रॉब्लम रहेगी वो सही हो जाएगी। तो गाइस, इन तरीकों में से किसी न किसी तरीके से आपका फ़ोन चालू हो जाएगा। जैसे ही चालू हो जाए फिर आप अपने फ़ोन को चला सकते हैं। टाइम टाइम पे क्या करना, अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेना। तो देखिए, रीस्टार्ट कैसे करेंगे, तो मोबाइल का जो पावर बटन है इस बटन को दबा कर रखना है 5 सेकेंड के लिए। तो रीस्टार्ट नाम का ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इससे देखिए क्या होगा, आपका फ़ोन अपने आप ही स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन हो जाएगा और जो प्रॉब्लम रहेगी वो सही हो जाएगी। इस तरीके से आप सही करके अपने फ़ोन को चला सकते हैं। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।